You are now unmuted. हेलो हेलो, 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 आवाज नहीं आ रही। उनके पास जा रही होगी। आवाज नहीं आ रही। ऑडिबल प्लस। हेलो आवाज नहीं आ रही। हेलो, नहीं, आपकी आवाज स्टूडेंट के पास जाएगी। उनसे एक बार बच्चे लिख रहा है ना। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। एक बार रिफ्रेश करें यहाँ से। हेलो हेलो यस यस लिखता हेलो हेलो वीडियो वीडियो में आपका ओके इतने हेलो क्लास स्टार्ट से। हेलो हेलो सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। So today's class, we are today start with the science and technology of SSC part. So first of all, explain you what kind of question is asked in science and technology. Basically, first of all, we cover the part of MCQs. With the help of MCQs, we have to study the topic in detail. हम लोग स्टडी करेंगे टॉपिक के डिटेल में विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, बायोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट विद एमसीक्यूज, कॉम्बिनेशन के थ्रू करेंगे क्लास, कंबाइंड स्टडी करेंगे। तो क्लास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है क्लास आपका जो है ये दिया गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट प्रोड्यूस द इमेज इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। देखिए क्लास, ये क्वेश्चन जो है ये आईज के बारे में है। ये क्वेश्चन जो है क्लास, ये जनरली आई के बारे में है। तो हमें आई के बारे में पता होना चाहिए। आई में एक पार्ट होता है रेटिना का। आई में एक पार्ट होता है रेटिना का। तो रेटिना की अगर बात करी जाए तो रेटिना वो पार्ट होता है जहां पे क्या बनती है क्लास, आपकी जो इमेज होती है वो आपकी बनती है। रेटिना वो पार्ट होता है जहां पे क्या बनती है क्लास, आपकी इमेज बनती है। और इमेज कैसी बनती है आपकी, आपकी इमेज जो बनती है वो बनती है बेसिकली रियल, मतलब रियल बनती है आपकी, जो वास्तविक होती है। और साथ साथ कैसी बनती है, ये उल्टी बनती है। क्योंकि क्लास कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है। तो इमेज आपकी जो बनती है वो रियल और इन्वर्टेड आपकी बनती है। तो ये चीजें हैं। तो देखिए क्लास, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट इज इमेज प्रोड्यूस अ फोकस इन द रेटिना, मतलब ये कौन सी बीमारी होगी या कौन सा कॉज होगा जिसके कारण जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले बनती है। तो क्लास आप लोग आंसर कर सकते हैं इसका। एनी आइडिया किसी को? ओके, विशाल उपाध्याय आंसर कर रहे हैं, आदर्श जी आंसर कर रहे हैं, बी बी बी, बहुत से आंसर बी आ रहे हैं। और बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी, बिल्कुल करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर है इसका, मायोपिया। तो मायोपिया देखिए क्या है चीज, मायोपिया के बारे में आपको बता दें कि मायोपिया जो होता है वो आपका जनरली वो रोग होता है जहां पे इमेज जो होती है वो रेटिना से पहले बन जाती है, रेटिना से पहले बन जाती है। जी नाम पूछ रहे हैं सर, मेरा नाम आलोकित कपूर है और साइंस फैकल्टी के लिए से टीच कर रहा हूँ मैं आपको एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो हम लोग अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं, थोड़ा डिस्कशन करेंगे बाद में, पहले टॉपिक्स पे फोकस करते हैं। टॉपिक पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है तो हमने टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस करना है। तो क्लास देखो, मायोपिया क्या होता है, मायोपिया आपको एक बता दें, मायोपिया वो चीज़ होती है जहाँ हमें दूरदर्शी, मतलब हमें दूर का अगर नहीं दिखता,
हमें बेसिकली अगर दूर में दिखने में प्रॉब्लम होती है तो जल्दी वो क्या होता है हमारा मायोपिया होता है। ठीक है, तो मायोपिया के कॉज क्या होते हैं? मायोपिया का सबसे पहला कॉज जो होता है, आपको पहले बता दें कि इमेज, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इमेज होती है, वो इमेज जो होती है वो क्या होती है, पहले बन जाती है आपकी। इमेज जो होती है वो आपकी पहले बन जाती है। ठीक है, इमेज जो होती है वो आपकी क्या होती है, इमेज जो होती है वो आपकी पहले बन जाती है। ठीक है, इमेज जो होती है क्लास वो आपकी पहले बन जाती है, इमेज बिफोर टू रेटिना। ठीक है, इमेज जो होती है वो आपकी रेटिना से पहले बन जाती है इमेज। ठीक है क्लास, और चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्लास, आपका ये जो डायग्राम है ये आपको दिख रहा है आई का डायग्राम। ठीक है क्लास, आई का डायग्राम जिस तरीके से आपको ये दिख रहा है, तो बताते हैं कि आई के डायग्राम में आपको देखिए, ये देखिए आई का डायग्राम है, और ये आई के डायग्राम में ये इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ते हैं कि आई के पार्ट्स क्या क्या होते हैं आपके। हेलो हेलो क्लास, तो आई के डायग्राम पढ़ते हैं। देखिए क्लास, ये जो आई का डायग्राम है, ये आई के डायग्राम में जो ये बाहर वाला पार्ट होता है, ये बाहर वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। क्लास क्या बोलते हैं इसको? कॉर्निया बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास, ये आपको बता दें कि आई का जो डायग्राम होता है इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। तो ये जो बाहर वाला पार्ट होता है कॉर्निया, तो कॉर्निया का फंक्शन जिस तरीके लिखा है कि ये एक तरीके का कैसा पार्ट है, एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है, मतलब आप कह सकते हो ये आउटर पार्ट होता है हमारे, हमारे आउटर पार्ट होता है आपके आइस का। जब भी हम लोग किसी को आइस डोनेट करते हैं ना क्लास, जब हम किसी को आइस डोनेट करते हैं, तो आइस जो डोनेट करते हैं वो हम लोग जो कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं वो कॉर्निया पार्ट होता है आपके। ये क्लास क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हम लोग कभी किसी को आइस डोनेट करते हैं तो वो कौन सा पार्ट होता है, तो हम लोग जो कॉर्निया पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, किसी को डोनेट करते हैं। और क्लास कॉर्निया के बारे में कुछ नहीं है, कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है वो जल्दी जो आउटर पार्ट होता है इसका। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर कि आउटर पार्ट हमारा साइंस आपके आइस का क्या होता है, तो हमारे आउटर पार्ट आइस का जो होता है वो कॉर्निया होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक क्लास, अब आउटर कॉर्निया के बाद जो अगला पार्ट आपको दिख रहा है वो हमारा दिख रहा है आपका आई लेंस। ये जो लेंस दिख रहा है, जल्दी हमारे आईज में क्या होते हैं, लेंसेज होते हैं। लेंसेस आपको बता दें कि लेंस होता क्या है, तो लेंस आपका जो होता है बेसिकली जब आपका मिरर, जितने भी आपके मिरर्स होते हैं, जब आपका मिरर आपस में ज्वाइन होता है ना क्लास, जब मिरर आपका आपस में ज्वाइन होता है तो मिरर के ज्वाइन होने से ही क्या बनता है, हमारा लेंस बनता है। ठीक है क्लास, लेंस बनता है। तो लेंस क्या करता है, बेसिकली लाइट को रेटिना पे इमेज बनाने के लिए हमें मदद करता है। लेंस पार्ट जिस तरीके से कैमरा में लेंस होता है, ठीक है, वो फोटो क्लिक करने में मदद करता है, उसी तरीके से हमारी आईज में भी क्या होता है, लेंस होता है। ठीक है, अब इसी लेंस को जो हमारा आपका जो प्रोटेक्ट करके रखता है या कंट्रोल करके रखता है वो होता है हमारा बेसिकली आयरिस। आयरिस की अगर बात करी जाए तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आयरिस होता क्या है, तो आयरिस आपको बता देते हैं। आयरिस का जिस तरीके से फंक्शन लिखा गया है क्लास, आप पढ़ सकते हो कि आयरिस वो पार्ट होता है जो क्या करता है, जो लाइट आपकी आ रही है, लाइट की इंटेंसिटी को, जो लाइट की जो तीव्रता है, कितनी फास्ट लाइट आ रही है उसकी तीव्रता को क्या करता है, जनरली कंट्रोल करके रखता है। तो क्लास क्या होता है आपका, आपका जो आयरिस होता है, आयरिस जनरली क्या करता है, आपका लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। और आयरिस जो होता है, ठीक है, ओके क्लास क्लियर, ओके ओके ठीक है। आयरिस, तो आयरिस क्या होता है सर, आयरिस के फंक्शन लिख लीजिएगा। आयरिस वो पार्ट होता है जल्दी कंट्रोल करता है आपकी पीपल को। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पीपल को कंट्रोल कौन करता है, तो पीपल को आपको जो कंट्रोल करता है वो आपका आयरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, पीपल को जो कंट्रोल करता है वो आपका आयरिस करता है। तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट अगर पूछे कि आउटर पार्ट आइस का क्या होता है, तो कॉर्निया,
और कौन सा पार्ट हम डोनेट करते हैं, तो आपका आंसर होगा कॉर्निया, ठीक है। और आपका जो कॉर्निया को या आपका जो होता है ये जो को पीपल होता है, पीपल को कंट्रोल कौन करता है, तो पीपल को कंट्रोल आपका करता है आयरिस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी के पेपर में पूछा गया है, सीजीएल के पेपर में पूछा गया है, और छोटे छोटे वनडे एग्जाम्स जो होते हैं आईबी के एग्जाम्स वगैरह होते हैं प्रीवियस ईयर्स में, 2017 में जब आईबी का पेपर हुआ था तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आयरिस एक तो इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है और साथ साथ क्या होता है आपके आयरिस पीपल को कंट्रोल करके रखता है, और पीपल क्या करता है बेसिकली जो आईलेंस है ना आईलेंस को जस्ट कंट्रोल करके रखता है ताकि जो इमेज है ना वो इमेज प्रॉपर है वो रेटिना पे बने। तो रेटिना आपको पहले ही बताया था, रेटिना वो पार्ट होता है जो कि बेसिकली आपकी कंट्रोल करता है। रेटिना क्या करता है, जहां पे इमेज फॉर्मेशन होती है, आप अगला पॉइंट पढ़ सकते हो, रेटिना लिखा हुआ है। तो रेटिना वो पार्ट है जहां पे क्या बनती है आपकी इमेज बनती है, फिर ठीक है। देखो फिर क्या होता है, आपका जो ऑप्टिक्स नर्व दिख रहा है, जो ऑप्टिक्स नर्व है आपका ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये ऑप्टिक्स नर्व्स, ये ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है, ये जल्दी क्या होते हैं जो हमारे जो सिग्नल्स होते हैं, जो हम लोग लाइट जो हमारे सिग्नल्स लाइट की फॉर्मेशन जो हो रही है रेटिना पे, जो इमेज बन रही है वो लाइट की फॉर्म में बन रही है। अब ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक इम्पल्स, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो हमारी सिग्नल्स जाते हैं आपके ब्रेन तक वो किस फॉर्म में जाते हैं, तो क्लास जो सिग्नल्स जाते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो सिग्नल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं आपके, या नर्वस सिस्टम के थ्रू या ब्रेन तक जाते हैं। वहां पे क्या होती है, ब्रेन क्या करता है, जब हम लोग ब्रेन का टॉपिक पढ़ेंगे तो बताएंगे ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है बेसिकली मदद करता है, तो ब्रेन क्या करता है उसका आउटपुट देता है। तो ऑप्टिक नर्व कुछ नहीं है, जस्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में आपके सिग्नल्स जाते हैं आपके ब्रेन तक, और ब्रेन क्या देता है, जस्ट स्टिमुलाइज का क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। ये रिस्पॉन्स देने का काम क्या होता है आपका, ये चीज होता है। अब क्लास जो अगला पॉइंट है ब्लाइंड स्पॉट, क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट की अगर बात करी जाए, देखो ब्लाइंड स्पॉट पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज समझा देते हैं रेटिना के बारे में, क्लियर। एनी डाउट, कोई डाउट तो नहीं क्लास अभी, ओके ओके ठीक है, चलो क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग रेटिना के बारे में देख रहे थे। देखो क्लास रेटिना के बारे में अगर बता दें तो रेटिना के बारे में अगर बता दें तो रेटिना के बारे में, ठीक है, रेटिना के बारे में ठीक है, रेटिना के बारे में आपको ठीक है, तो रेटिना के बारे में अगर बताते हैं तो रेटिना आप लोग पीडीएफ में देख सकते हो, रेटिना वो पार्ट होता है जहां पे बेसिकली दो तरीके के सेल्स होते हैं आपके, एक होते हैं कोन शेप्ड सेल्स और दूसरे होते हैं आपके रॉड शेप्ड सेल्स, ठीक है। ठीक है, दो तरीके के सेल्स होते हैं आपके, कोन शेप्ड सेल्स और आपके रॉड शेप्ड सेल्स, ठीक है। रॉड शेप्ड सेल्स होते हैं आपके, देखिए कोन शेप्ड सेल्स क्या होते हैं, कोन शेप्ड सेल्स जल्दी क्या होते हैं, बेसिकली जो हमारी इंटेंस कलर होती है, हम लोग डिफरेंट जब हम लोग इमेजेस देखते हैं तो इमेजेस के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं आपके, ठीक है, इसमें रेड कलर। यू आर नाउ म्यूटेड, यूज नहीं करो, लिखना नहीं आपको इसके ऊपर, तो आप लिख नहीं पाओगे ये इमेज है। हाँ मैम वो थोड़ा पीछे हो गया, अपलोड है ये आपका इमेज कम क्यों हो रहा है, ये यू आर नाउ अनम्यूटेड, ठीक है क्लास। तो आपको बताते हैं रेटिना के अंदर, रेटिना के बारे में पढ़ रहे थे कि रेटिना के अंदर क्या होते हैं, रेटिना के अंदर क्या होते हैं आपके रॉड शेप सेल्स होते हैं। तो रॉड शेप सेल्स और कोन शेप सेल्स, पहले देखते हैं कोन शेप सेल्स क्या होते हैं। तो कोन शेप सेल्स क्या होते हैं आपके, कोन शेप सेल वो सेल होते हैं जो आपके क्या होते हैं कलर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। जो चीज आप देख रहे हो उसके अंदर कौन से कलर है, तो कलर को बताने के लिए क्या होते हैं आपके कोन शेप सेल्स होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि जल्दी कोन शेप सेल को कौन डिटरमाइन करता है, तो कोन शेप सेल को आपको डिटरमाइन करते हैं कलर को, कलर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है।
तो फिर उसके बाद देखते हैं कौन शेप सेल बाद अगले जो उसमें सेल होते हैं क्लास, वो होते हैं आपके रॉड शेप सेल्स। अगले कौन से सेल होते हैं? रॉड शेप सेल्स। रॉड शेप सेल्स का काम क्या होता है? रॉड शेप सेल्स क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं। इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी रेटिना पे कितनी बन रही है, कितनी तीव्रता से जो लाइट आ रही है वो कितनी तीव्रता से आपकी बन रही है। तो वो चीज क्या होते हैं, आपके रॉड शेप सेल्स होते हैं। तो दो तरीके के सेल्स होते हैं क्लास, आपके कोन शेप्ड, कोन शेप्ड क्या होते हैं, कलर को बताते हैं, और रॉड शेप क्या बताते हैं, लाइट की कितनी इंटेंसिटी है उसको जस्ट बताने का काम आपके रॉड शेप सेल्स करते हैं। तो क्लास इस तरीके से आपके क्या होते हैं। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है क्लास, देखिए ब्लाइंड स्पॉट वो होता है बेसिकली, ये पार्ट आपका ऑप्टिक नर्व्स में होता है। क्या होता है क्लास, ये ऑप्टिक नर्व्स में आपको दिख रहा है, ऑप्टिक नर्व्स में, जब ऑप्टिक नर्व्स के ऊपर जो कोन शेप सेल्स होते हैं, कोन शेप सेल जो कि कलर को बताते हैं, अगर वो कोन शेप सेल उस पोजीशन पे नहीं पाए जाते हैं या उस पोजीशन पे एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, तो इसका मतलब वहां पे कोई कलर डिटर्मिनेशन नहीं होगी, वहां पे आपकी ब्लाइंड स्पॉट बनेगा, वहां पे कोई भी इमेज की फॉर्मेशन आपकी नहीं होगी, तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, अब क्लास दो तरीके आपके ह्यूमर होते हैं, ठीक है, आपके दो तरीके के आपके जिस तरीके से आंसू निकलते हैं आंखों से, तो दो तरीके आपके ह्यूमर होते हैं। जो आपका ये वाला पार्ट होता है क्लास, ये वाला पार्ट होता है, इसके अंदर आपका होता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है, एक्वस ह्यूमर होता है आपके, ठीक है, जल्दी आपके वॉटरी पार्ट होता है, जल्दी कंट्रोल करता है, वॉटरी पार्ट होता है आपके, और यहाँ पे जो होता है आपका वर्चुअस ह्यूमर, जो आपके आंसू निकलते हैं वो इन्हीं वर्चुअस ह्यूमर से, या आपके जो कीचड़ वगैरह जो कभी बन जाता है, या अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं उसमें आपके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कैटरेट का नाम सुनता होगा जिसको आप लोग मोतियाबिंद कहते हो, तो जल्दी कीचड़ वगैरह बनता है, तो आपके ये वर्चुअस ह्यूमर में पार्ट बनता है आपके। ठीक है, तो हमने क्लास मेन पार्ट यहाँ पे ये पढ़ा कि आई का डायग्राम, कि आई के डायग्राम में सबसे मेन पार्ट क्या होता है आपका, कॉर्निया होता है। कॉर्निया क्या होता है क्लास, कॉर्निया वो पार्ट होता है आपका आई का जो कि हम लोग क्या होते हैं, डोनेट करते हैं, डोनेट करते हैं, और वो पार्ट होता है, तो लाइट को क्या करता है, ब्लच करता है आउटवर्ड, लाइट को क्या करता है आपके, ब्लच करता है आउटवर्ड, और आपका क्या होता है बेसिकली लाइट को इंटर करने में मदद करता है। फिर अगला पार्ट हमने पढ़ा क्या, प्यूपल, प्यूपल क्या करता है बेसिकली आपके आई लेंस को जस्ट कंट्रोल करता है आपके, ठीक है, और बेसिकली और जो प्यूपल को कंट्रोल करता है, प्यूपल को कंट्रोल कौन करता है क्लास, पीपल को कंट्रोल कौन करता है आपका, तो पीपल को कंट्रोल आपका आयरिस करता है। आयरिस का काम एक तो लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करना और पीपल को कंट्रोल करना, और फिर उसके बाद जो अगला पार्ट होता है आपका रेटिना, तो रेटिना वो पार्ट होता है जहां पे क्या बनती है क्लास, आपकी इमेज बनती है, क्या बनती है क्लास, आपकी इमेज बनती है, और इमेज कैसी बनती है, इमेज आपकी बनती है रियल, क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आता है पेपर में, रियल और आपकी इन्वर्टेड बनती है, रियल इन्वर्टेड आपकी क्या बनती है, इमेजेस बनती है आपकी, इसमें आपकी इमेजेस यहाँ पे इस तरीके से बनती है। ठीक, फिर उसके बाद आपका कोन शेप सेल और रॉड शेप सेल, कोन शेप्स क्या होते हैं जहाँ पे कलर बताते हैं, और रॉड शेप सेल्स क्या होते हैं बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी को बताते हैं। तो एनी डाउट क्लास, यहाँ तक कोई डाउट है, एनी डाउट, ओके क्लियर ना, एवरीबॉडी क्लियर, ओके चलिए क्लास फिर हम लोग क्या होते हैं, आप लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ, आप ये जो मैं आपको पढ़ाया है टॉपिक, आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिएगा, मैं आपको एमसीक्यूज के लिए और को टॉपिक क्वेश्चंस दूंगा इस पे, ठीक है, एक बार आपको क्लियर हो गया टॉपिक तो इस तरीके से आप एमसीक्यूज आराम से प्रीवियस ईयर के जो आए हुए हैं वो आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, हमें मेरा हमारा जो मेन टॉपिक है वो बेसिकली आपको समझाना है और किस तरीके से एलिमिनेट करा जाता है जिस तरीके से आपने आंसर दिया था। ठीक है क्लास, अब देखिए क्लास आपको दिख रहा है कि जल्दी थ्री टाइप्स क्या होती है हमारी आपकी आपकी प्रॉब्लम होती है आईज के अंदर, जिसको हम लोग डिफेक्ट्स बोलते हैं क्लास, क्या बोलते हैं इसको, डिफेक्ट्स बोलते हैं, लाइट आपके आईज के अंदर क्या होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं। तो देखते हैं बेसिकली जो होते हैं हमारे आईज के अंदर तीन तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तीन तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं, देखते हैं तीन तरीके के डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं। देखो क्लास, सबसे पहला रोग आपको दिख रहा है वो चीज क्या होता है, मायोपिया। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, बट कोई बात नहीं, आपको स्पेलिंग से मतलब नहीं है, मायोपिया की स्पेलिंग लिख लीजिएगा, MOYPIA। मायोपिया देखो क्या होता है, पहले इसको बहुत सिंपल सी हिंदी भाषा में समझते हैं कि मायोपिया होता है क्या है। देखो क्लास, मायोपिया जब ये होता है आपको, जब दूर का दिखना बन जाए, जैसे मेरे को, आपको मेरे को जितनी मायोपिया है क्योंकि मुझे दूर का नहीं दिखता। ठीक है, और आपकी पावर जब निगेटिव हो जाती है ना, बेसिकली जब आपकी पावर होती है निगेटिव में, -2.5, -3, -4, जल्दी क्या होता है, जब हमें दूर का नहीं दिखता,
दूर का नहीं दिखता तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मायोपिया बोलते हैं। देखिए प्लस पहली लाइन लिखी हुई है, जो हमें दूर का नहीं दिखे वो चीज क्या होती है, मायोपिया दिखे, या नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब होता है कि हमें पास का दिखाई दे बट हमें दूर का नहीं दिखाई दे, ठीक है। तो इस तरीके के रोग हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं। तो यहां तक क्लियर होगा, ठीक है, मायोपिया। अब देखिए क्लास, जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मायोपिया रोग क्यों होता है, तो आपके दो कारण बता दूं मायोपिया क्यों होता है। अगर आपका आई बॉल, जो आपकी आई बॉल होती है, आंखों में जो आपकी आई बॉल होती है, लेंस की जो आई बॉल होती है, अगर आई बॉल का क्या हो जाए, साइज ज्यादा हो जाए, आई बॉल का क्या हो जाए, ऐसे मैं बताऊंगा, आई बॉल का साइज क्या हो जाए आपका, ज्यादा हो जाए। अगर आई बॉल का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है तो पहला कॉज ही होता है कि मायोपिया आपको होता है। तो क्लियर क्लास, आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं क्लास यहां तक? अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो पहला कारण क्या है आपको, मायोपिया क्या होता है, जब हमें दूर का नहीं दिखाई पड़े, ठीक है। ओके ओके क्लास, आदर्श जी क्लियर, दिव्या जी क्लियर, ओके ठीक है, ओके। तो आई बॉल का साइज अगर ज्यादा हो जाता है तो हमें क्या होता है आपका, मायोपिया होता है। और अगर क्या होता है, इमेज, ओके ओके सर, सर आई बॉल क्या होता है, सर आई बॉल क्या होता है आपके, जो बेसिकली जो आपको आंखों में दिखा, जैसे मेरी आंखों में क्या दिख रहा है, आपको आई बॉल दिखाई दे रही है, मतलब इस तरीके से जो लेंस के अंदर आपकी आई बॉल होती है, जल्दी जो इमेज क्या होती है, बेसिकली जो डायरेक्शन दिखाती है कि हमें किस डायरेक्शन में देखना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं देखना चाहिए। जैसे आपको सामने ही दिख रही है मेरी आई बॉल है, दिख रही होगी इस तरीके से, आपके लेंस के अंदर जो बेसिकली प्रेजेंट होती है आपकी आई बॉल, ये चीज होती है, ओके जो सामने दिख रही है ना आपको, जिस तरीके बाई ब्लैक कलर की आई बॉल है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की है। Yes, sir, yes, sir. हाँ, तो सर अगला क्वेश्चन आदर्श जी पूछ रहे हैं कि आई बॉल की साइज क्यों इंक्रीज हो जाती है। देखिए आई बॉल की साइज इसलिए इंक्रीज हो जाती है क्योंकि क्या होता है कि जो बेसिकली लाइट होती है, लाइट क्या होती है, बहुत ज्यादा इसमें इंक्रीज हो जाती है, पड़ना चालू हो जाती है, जिसके कारण जो जो बेसिकली आई बॉल होती है वो उस लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाती। लाइट की इंटेंसिटी को क्या कहती है, बहुत कन्वर्ज लाइट हो जाती है। लाइट क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, कन्वर्ज लाइट होती है, जो हमारी आंखों में बहुत ज्यादा पड़ना चालू हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, आई बॉल का जो साइज होता है वो जल्दी हमारा इंक्रीज हो जाता है। अगर कभी कभी हम लोग तभी जो बेसिकली कभी वीडियो गेम्स और इस तरीके की जो चीजें खेलते हैं जहाँ पे इंफ्रासोनिक वेव्स आप किस तरीके से आती हैं, ठीक है, ये जल्दी क्या होती है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है इनके अंदर, ये इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट को क्या बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर देती है, तो इसलिए ये जल्दी आईज के वॉइस को क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये कारण है आदर्श जी इसके, आईज के इंक्रीज होने का, जल्दी हम लोग इसीलिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर हम लोग आई की केयर प्रॉपर नहीं करते, ठीक है, और हम लोग इस तरीके की चीजें करते हैं तो इसलिए जल्दी क्या होता है, आई बॉल का इंक्रीज हो जाता है साइज। ये हमारी बेसिकली प्रैक्टिकल थिंग्स है। अगर हम लोग तभी बोलते हैं कि टीवी वगैरह ज्यादा मत देखो, अगर टीवी वगैरह ज्यादा देखते हो तो इस तरह, या आप कंप्यूटर वर्क अगर ज्यादा करते हो तो कंप्यूटर वर्क में एंटी क्लियर लेंसेज यूज करो, क्योंकि एंटी क्लियर लेंसेज यूज करोगे तो बेसिकली वो लाइट की इंटेंसिटी को इतना अंतर नहीं जाने देंगे, इसलिए इस क्लास आदर्श ही इसलिए होता है आपका आई बॉल इंक्रीज। अच्छा, उसके बाद इमेज कहाँ होती है, इमेज आई बॉल से क्या होती है, पहले बन जाती है इसमें, ठीक है, इमेज बॉल क्या होती है, आई बॉल से पहले बन जाती है। तो इस तरीके के रोग क्या होते हैं, मायोपिया। अब क्लास एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि अगर मायोपिया के डिफेक्ट को कम करना है, कोई भी एग्जाम उठा लो क्लास, वन डे एग्जाम्स उठा लो, आप लास्ट ईयर का प्रैक्टिस करते हो, एसएससी का एग्जाम उठा लो, रेलवे का एग्जाम उठा लो, इवन आईबी का एग्जाम भी उठा लो आप, और कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम वगैरह उठा लो, ठीक है, तो हाँ, आई बॉल का, आई बॉल की रेटिना से पहले इमेज बन जाती है। यस, इमेज जो बनती है आदर्श जी वो पहले ही बन जाती है इसकी, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको क्लास बता रहा था, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, तो अगर आपको मायोपिया को कम करना है, आपके मायके रोग को क्या करना है, रिमूव करना है, तो आपको किस तरीके के लेंस को यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा किस तरीके के लेंस को, कॉनकेव लेंस को। क्लास ये याद रखिएगा, किस तरीके का लेंस यूज होगा अगर आपको मायोपिया को कंट्रोल करना है, आपके कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको क्लास की, कॉनकेव लेंस होता क्या है। कॉनकेव लेंस क्या करता है, जल्दी क्या होता है, लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करने का काम करता है। डाइवर्ज का मतलब देखते हैं कि देखिए कॉनकेव लेंस होता किस तरीके का, आपका जिस तरीके से आपको इमेज के अंदर दिख रहा है, कॉनकेव लेंस इस तरीके से होता है, जब कोई दो दोस्त आपस में रूठ जाए तो इस तरीके से क्या बनता है आपका, कॉनकेव लेंस बनता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस होता है। तो जनरली लाइट इस पे जब पड़ती है तो लाइट क्या होती है, बेसिकली क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है। लाइट क्या होती है, जब इस पे पड़ती है तो लाइट क्या होता है, इसके डाइवर्जन का काम क्या होता है, लाइट का। तो जब लाइट इतनी ज्यादा नहीं पड़ती तो लाइट को डाइवर्ज करता है, तो लाइट को डाइवर्ज करने के बाद जो इमेज रेटिना से पहले बन रही होती है वो रेटिना से क्या हो जाती है, बेसिकली आपके बाद में बनना चालू हो जाती है, जिसके आपको डायग्राम के थ्रू मिलना है। आपके लिए इतना सफिशियंट है, आपको इतना टेक्निकल अंदर जाने की जरूरत नहीं है, कि आपको बस इतना पता होना चाहिए अगर मायोपिया रोग है तो उसको कैसे कम करा जाता है। तो मायको का कैसे कम करा जाता है, मायोपिया को आपके कॉनकेव लेंस
हम लोग जो मेरे मेरे जो मिरर है आपके जो मिरर लेंस लगा हुआ है मेरा कॉन्केव लेंस ही है, ठीक है, क्योंकि मुझे दूर का नहीं दिखाई देता क्लास, मुझे दूर का नहीं दिखता, वो मेरी पावर नेगेटिव में जल्दी होती है। तो इस तरीके के रोग क्या होते हैं हम लोग मायोपिया कहते हैं। आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्लास अगला आते हैं, मायोपिया का जस्ट उल्टा क्या होता है, इसमें आपको दिख रहा है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जस्ट इसका बिल्कुल अपोजिट। देखो क्लास, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बताते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में आपको पास का नहीं दिखाई पड़े, अगर आपको पास का ना दिखाई पड़े, ठीक है, तो क्या होता है आपका, और फायर फार फाइटेडनेस, फार फाइटेडनेस मतलब हमें दूर का दिखाई पड़े बट हमें जो पास का है ना, पास का वो दिखाई ना पड़े। पास का हमें जिस तरीके से न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, हमें पास का नहीं दिखाई पड़ा बट हमें दूर का दिखाई दे रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब हमें दूर का दिखाई दे रहा है बस हमें पास का नहीं दिखाई दे रहा, तो इस तरीके के रोग का क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। अब हाइपरमेट्रोपिया जस्ट बिल्कुल जैसे मायोपिया के कॉज है उसका अपोजिट होता है, ठीक है, उसका अपोजिट क्या, यहाँ क्या होता है, जो इमेज बनती है, यहाँ इमेज क्या होती है, या इमेज क्या होती है, रेटिना के पीछे बन जाती है। इमेज क्या बनती है, रेटिना के पीछे बन जाती है। इमेज मतलब रेटिना के, जैसे रेटिना पार्ट है, रेटिना के बिल्कुल बाहर पीछे बन जाएगी इमेज, ये इसका क्या होता है, कॉज होता है। और यहाँ पे जो आई बॉल होता है क्लास, क्या होता है आई बॉल का साइज, आई बॉल साइज क्लास बताइए, आई बॉल का साइज यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। राखी जी आप यू आर रॉन्ग, राखी जी यू आर रॉन्ग, इंक्रीज तो मायोपिया के केस में होता है, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा क्लास, ठीक है, डिक्रीज होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना के जस्ट पीछे बनेगी। अब क्लास इसको अगर रिमूव करना है, रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। क्लास कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस आपका जो होता है वो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है यह हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा। तो कॉन्केव लेंस इस तरीके का होता है आपके, ये जो दिख रहा है ना आपके, जब दो दोस्त क्या होते हैं आपस में रूठते नहीं है, आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो इस तरीके के लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ये क्या होता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, और इमेज जो रेटिना के पीछे बन रही होती है ना, वो रेटिना पे आके बन जाती है क्लास। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता आता है कई बार कि हाइपरमेट्रोपिया को अगर रिमूव करना है तो हमें किस तरीके के लेंस को, हमें कॉन्केव लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को क्या करना यूज पड़ेगा। देखो क्लास आपको पहले बता दें, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है यहाँ से आपके 110% क्वेश्चन जरूर आता है, हो सकता है आपके आईबी के पेपर में जरूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्लास जो अगला रोग आपको दिख रहा है, अगला रोग आपका जो है वो आपका दिखा है प्रेसबायोपिया। अगला रोग आपको क्या दिखा रहा है, प्रेसबायोपिया। तो देखते हैं प्रेसबायोपिया क्या होता है, कुछ नहीं क्लास, आप क्या मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो दोनों पढ़ा है ना, इसका कॉम्बिनेशन क्या है क्लास, इसका कॉम्बिनेशन ही क्या है आपका, प्रेसबायोपिया कहलाता है। तो प्रेसबायोपिया कुछ नहीं है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जल्दी क्या होता है, देखो आप प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखो अगर आपके घर पे मम्मी पापा होंगे, मम्मी पापा आपके दादाजी होंगे, वो जनरली क्या होते हैं, स्पेक्स यूज करते हैं, उनको जनरली क्या होता है, प्रेसबायोपिया होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देख बताऊँ, अगर आपको इसमें रिमूव करना है, पहले आपको टॉपिक पे आ जाता हूँ, अगर आपको इसको डिफेक्ट को कम करना है तो आप लोग यूज करते हो बायफोकल लेंस। कौन से लेंस यूज करते हो क्लास, आपके बायफोकल लेंस। कौन से लेंस क्लास, आपके बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, बायफोकल लेंस, आपके बायफोकल लेंस जो होते हैं इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब चलो बायफोकल लेंस क्या करते हैं, इसको बायफोकल लेंस यूज करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि बायफोकल लेंस, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। आप लोग देखो साइंस एक सब्जेक्ट ऐसा है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जब तक आप इसको प्रैक्टिकली समझोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलो क्लास, चलो एक चश्मा बनाते हैं आप लोग, आपने स्वच्छ भारत का चश्मा तो देखा ही होगा, ठीक है। चलो स्वच्छ भारत का चश्मा इस तरीके से होता है, गांधी जी का चश्मा, क्योंकि गांधी जी 2 अक्टूबर जब उनकी बर्थडे होती है वहीं से स्वच्छ भारत आपका जो अभियान हुआ था वो चालू हुआ था। जनरल नॉलेज भी देखेंगे तो स्वच्छ भारत का जब चश्मा होता है या नॉर्मल चश्मा होता है तो आप जब देखते हो तो इस तरीके से क्या होता है, आपके लेंसेज होता है, ये जो लेंस हम लोग यूज करते हैं बेसिकली ये बायफोकल लेंस होते हैं, मतलब इसमें कॉन्वेक्स भी है और साथ साथ क्या होता है, कॉन्केव लेंस भी है, कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों। अब देखो क्लास, जब भी क्या होता है, जब आपके घर में कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है तो इस तरीके से चश्मा कर लेता है, ठीक है। दादी जी या आपने देखा होगा मम्मी, कभी भी पास का जब दिखाई नहीं पड़ता, इसका मतलब जब होता है पास का उनको दिखाई नहीं पड़ता तो स्पीकर से वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और इस तरीके से क्या होता है, रीडिंग कर लेते हैं आपकी इजली, ठीक है। और जब उनको दूर का नहीं दिखाई देता
तो क्या होता है वो इस तरीके से चश्मा को ऊपर कर देते हैं और इस तरीके से वो दूर का दिखाई पड़ता है मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है बेसिकली, जो नीचे होता है वो आपको कॉन्वेक्स होता है और ऊपर क्या होता है आपको कॉनकेव होता है। नीचे कॉन्वेक्स होता है ऊपर कॉनकेव होता है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए। अगर प्रेस बायोपिया को कम करना है तो प्रेस बायो को करने के लिए हमें कौन से लेंस, बायोफोकल लेंस का करना पड़ेगा इस्तेमाल करना पड़ेगा। बायोफोकल लेंस का हमें क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। बायोफोकल लेंस से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास यहां तक क्लियर हुआ आपको? ओके, विशाल जी कह रहे हैं कि मैं भी बायोफोकल लेंस यूज करता हूं। सर गाजर वगैरह नहीं खाते क्या? गाजर चुकंदर वगैरह प्रॉपर खाओ, लाइट बढ़े हो आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। ओके, सोनम जी कह रही है यस सर। अच्छा मैं भी बायफोकल लेंस यूज करता हूँ। अच्छा तो ही नहीं, आंखों की रोशनी बढ़ाओ, ये इंटरचेंज करके यूज नहीं कर सकते? अच्छा आदर्श जी पूछ रहे हैं ये इंटरचेंज करके यूज, हाँ इंटरचेंज करके कर सकते हैं यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फिक्स है, ये तो नेचुरल चीज है इंटरचेंज के, जैसे कॉन्वेक्स ऊपर कॉनकेव नीचे। ना सर ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल भी आदर्श जी नहीं, ठीक है। जो बिल्कुल जैसे जिस तरीके से साइज होता है, जैसे चीजें होती हैं उस तरीके से आपको करना होता है ये चीजें, इफेक्ट है, क्योंकि इस तरीके से लाइट की इंटेंसिटी होती है, अलग अलग इंटेंसिटी होती है, तो ये नेचुरल है, आप ऐसे इंटरचेंज नहीं कर सकते। क्लियर है ना आदर्श जी आपको? ठीक है, इंटरचेंज नहीं कर सकते, जैसी चीजें हैं वैसे ही है, ठीक है। आप इतना मत ध्यान दो, आप बस इतना कंसेप्ट पे ध्यान दो कि हमें अगर रिमूव करना है फिर हवा में पड़, ठीक है, ठीक है। चलो क्लास, फिर क्या होता है आपके अगला टॉपिक, हम लोग जो अगला क्वेश्चन है आपके, ठीक है। देखो अब क्लास अगला क्वेश्चन है जो बेसिकली स्टडी से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो आपकी स्टडी से रिलेटेड होता है, तो देखते हैं स्टडी से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछा जाऊंगा कि जो स्टडी होती है फंगस की वो क्या कहते हैं, एनीबडी आंसर? माइकोलॉजी। क्या होते हैं सर? माइकोलॉजी। ओके करेक्ट है, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, माइकोलॉजी। आदिति जी ने कहा है माइकोलॉजी इज अ करेक्ट आंसर, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। देखो क्लास स्टडी से पहले मैं बता दूं, स्टडी आपकी हर क्वेश्चन पेपर में आती है, ये आपको पता होगा, और स्टडी इवन जीएस के पेपर में नहीं आती, ये आपके अगर बात करी जाए आपके रीजनिंग की, अगर आपको रीजनिंग के अंदर जब आपको टॉपिक पढ़ाते होंगे, टॉपिक सर तो आपको एक टॉपिक पढ़ाते होंगे एनोलॉजी, एनोलॉजी पढ़ाते हैं ना आपकी, एनोलॉजी के अंदर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जरा इसकी स्टडी को ये कहते हैं तो इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, कहते हैं ना, आता है ना क्वेश्चन। देखो क्लास जीएस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको बता दें जीएस आपके इंग्लिश में भी काम करता है, ठीक है, और जीएस उसमें भी हर सब्जेक्ट में बेसिकली काम करता है, तो आपको स्टडीज बेसिकली पता होने चाहिए। देखो हर कोई टॉपिक जब भी आपको मैं टीचर पढ़ा रहा है, कोई भी पढ़ा रहा है, तो आपको क्यों पढ़ा रहा है, सबसे पहले आपको उसका रीजन पता होना चाहिए कि आपके एक तो साइंटिफिक कैसे उसके यूज है, साइंस एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, आप जानते हो कि आप डेली डेली यूज कर रहे हो, और आपके पेपर में वो बेनिफिशियल कैसे, आपके पेपर में कैसे बेनिफिशियल है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टडी आपको जल्दी पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा आपके माइकोलॉजी बोला जाता है। देखो क्लास फंगस आपको पहले बता दे, फंगस क्या होता है, फंगस आपका जल्दी क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। फंगस क्या होते हैं, जब हम लोग प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे, फंगस क्या होते हैं आपके जो अपना खाना नहीं बना पाते, ये क्या होते हैं हमारे हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं परपोषी, जो अपना खाना नहीं बना पाते तो दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक है, और इनकी स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे आपका होता है एफएम रेडियो, एफएम रेडियो होता है या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है आपके, तो उसके बेसिस पे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। और इसी का जब होता है आपके एल्गी, आपको एल्गी के बारे में भी पता होगा, एल्गी क्या होता है जस्ट इसका उल्टा होता है, एल्गी क्या होता है, एल्गी क्या होता है क्लास, इसका जस्ट उल्टा होता है। एल्गी की अगर बात करी जाए तो एल्गी की स्टडी को कोई बता सकता है क्लास, एनीबडी एल्गी स्टडी? एल्गी की स्टडी कोई बता सकता है क्लास? आदर्श जी माइटोलॉजी नहीं, नो आदर्श यू आर रॉन्ग। एल्गी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं आपकी फाइकोलॉजी, क्या बोलते हैं क्लास? फाइकोलॉजी बोलते हैं। एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। देखो क्लास
ऐसे रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई फंगस की स्टडी को ये बोलते हैं तो एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं, उसमें तो आप रीजनिंग नहीं लगा पाओगे, उसमें अगर आपको जीएस पता होगी तभी लगा पाओगे, इसलिए बता रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एल्गी की स्टडी को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एपी के नाम से याद कर सकते हो, आंध्र प्रदेश के नाम से याद कर सकते हो आप लोग, एपी के नाम से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे याद कर लो, ठीक है। चलो अब कुछ स्टडीज हैं जो आपकी अगले अगले स्लाइड्स में दी गई हैं, वो जल्दी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है एनाटॉमी। एनाटॉमी देखो क्या होता है, जो हम लोग बता देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आप पढ़ लीजिएगा इसको, अगर आप देख लेंगे तो एक बार आप रीड अप थ्रू आउट हो जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखी मैंने, क्योंकि आपको क्या होते हैं बेनिफिशियल होती है। देखो एनाटॉमी क्या होती है, जो एनिमल है, जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। जो बॉडी स्ट्रक्चर है हमारा, जो फिजिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसी भी चीज का सिस्टम का या बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। एनाटॉमी के पास क्लास क्या होता है, आर्कियोलॉजी। देखिए जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के अंदर आप देखते होंगे कि जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स थे या आपके जितने भी ग्रेन्स वगैरह होते हैं, जब उसको हम खुदाई के दौरान आपके निकालते हैं, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के अंदर आप जो पढ़ते होंगे मॉन्यूमेंट्स से, अब क्या होते हैं जो बच्चे की आर्कियोलॉजी, उनकी स्टडीज को बोला जाता है आपके, ठीक है। जिस तरीके से हिस्ट्री के अंदर एक होता है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, तो बेसिकली जो पुरातत्व होते हैं, पुरातत्व कहते हैं इसको हिंदी में, पुरातत्व जो भी खुदाई के दौरान जो चीजें निकाली जाती हैं, बेसिकली उनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी आपकी बोलते हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी जो फिजिक स्ट्रक्चर के बारे में बताए, और जो बेसिकली जो फॉसिल्स वगैरह जो निकलते हैं हमारे, उससे आपकी जो स्टडी होती है वो आर्कियोलॉजी होती है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी आप समझते ही होंगे, एस्ट्रोनॉमी जो बेसिकली हमारी हेवनली बॉडीज होती हैं, जो हेवनली आपकी बॉडी होती है, जैसे सन हो गया, आपके प्लैनेट्स हो गए, इनकी जो स्टडीज होती है वो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सब कहलाती है। एकॉस्टिक, एकॉस्टिक बेसिकली एक फिजिक्स का पार्ट है, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे साउंड, एकॉस्टिक सिंपल किससे डील करता है, आपके साउंड से, जो ध्वनि से आपके डील करता है, जिस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हो, ये क्या चीज़ है, एकॉस्टिक है, एकॉस्टिक बोलते हैं या साउंड बोलते हैं, इसको ध्वनि बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। एकॉस्टिक के बाद आपका जो होता है बेसिकली एस्ट्रोफिजिक्स होता है, बेसिकली एस्ट्रोफिजिक्स जो आपकी फिजिकल नेचर जो होता है, फिजिकल नेचर जो बेसिकली उसके डील्स करता है, उसकी एस्ट्रोनॉमी से डील करता है, वो आपका एक चीज कहलाती है। कॉस्मोग्राफी देखते हैं, कॉस्मोग्राफी देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाती होगी तो टीचर आपको जब यूनिवर्स चैप्टर पढ़ाते होंगे तो यूनिवर्स की जो स्टडी होती है, बेसिकली जो यूनिवर्स है, जो आपका ब्रह्मांड है जो स्टडी करते हो, उसमें ब्रह्मांड के अंदर आपकी गैसेस होती है, एटमोस्फियर होता है, तो इनकी स्टडी को क्या होता है, कॉस्मोग्राफी कहते हैं। देखो आ सकता है क्लास, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर के SSC के एग्जाम से और वेरियस एग्जाम से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अच्छा क्लास, आपका अगला है जो एनाटोमोलॉजी। एनाटोमोलॉजी क्या होता है, बेसिकली इंसेक्ट्स की स्टडी को। अभी कुछ जो SSC के एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें जो आपके इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह भी आते हैं, तो उसमें भी क्या होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस में पूछ ले जाते हैं कि जनरल इसकी इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या बोला जाता है। चार ऑप्शन देते हैं, चार ऑप्शन में इस तरीके से आप लोग एटमोलॉजी बोलते हैं, तो एटमोलॉजी बेसिकली स्टडी होती है आपकी इंसेक्ट्स की, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी जबकि बेसिकली एम्ब्रियो स्टेट जो जायकॉट स्टेट से पहले स्टेट होती है, जो बेसिकली बच्चा पैदा होता है, जो मतलब पेट के अंदर होता है मदर की, तो आपके एम्ब्रियो जो बेसिकली फॉर्म में होता है, तो जल्दी इसकी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। एटमोलॉजी क्या होता है, एटमोलॉजी क्या होता है, एटमोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके रीजनिंग और एज वेल एज इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शब्द है आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह में भी आ जाता है। तो एटमोलॉजी क्या होता है, एटमोलॉजी की अगर बात करी जाए, कोई भी चीज ओरिजन होता है, कोई वर्ड, कोई वर्ड अगर आप पढ़ रहे हो, आपके जो शब्द होते हैं, शब्द का जो ओरिजन है, ओरिजन पॉइंट होता है, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग आपकी एटमोलॉजी बोलते हैं। ये क्लास वन लाइनर क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे, ठीक है, ध्यान रखना, स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो चीज पढ़ाई जाएगी बिल्कुल इफेक्टिवली, ठीक है, जो चीजें आपको समझ में आए और जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं आपके मेटलर्जी। देखिए मेटलर्जी भी एक केमिस्ट्री का वर्ड है, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर जब हम लोग रासायनिक विज्ञान वगैरह पढ़ेंगे तो जब हम मेटलर्जी प्रोसेस समझेंगे, तो मेटलर्जी प्रोसेस क्या होता है, जल्दी बेसिकली जो ओर होती है, कोई कोई मेटल की जैसे ओर होती है, जैसे बॉक्साइट की ओर पूछ लिया था कि बॉक्साइट की ओर क्या है आपके, तो बॉक्साइट की ओर जैसे एल्युमिनियम होती है, ठीक है, तो बेसिकली एल्युमिनियम को कैसे, मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करा उसकी ओर से, तो वो चीज क्या होती है, मेट्रोलर्जी कहलाती है। मेट्रोलॉजी, देखो मेट्रोलॉजी क्या होता है, मेट्रोलॉजी क्लास आपकी जो डील करती है वो आपकी मौसमी विभाग से डील करती है। चलो क्लास एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब बनाया जाता है, एनी आइडिया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब बनाया जाता है, क्योंकि क्लास डे भी आते हैं, ये तो आपको पता ही है, हम जो चीज पढ़ेंगे वो मिक्स करके पढ़ेंगे। कोई एनी आइडिया, किसी को आइडिया है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब बनाया जाता है, एनी आइडिया, नो आइडिया, ओके कोई बात नहीं, 24 मार्च, नो सर थोड़ा पहले जाइए, 1 मार्च, 24 मार्च को तो हमारी बर्थडे होती है,
24 मार्च को क्लास टीबी डे मनाया जाता है। तो आपको क्लियर कर दूं, 23 मार्च को जो होता है आपके, जिस दिन आपका शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है, मार्टियर्स डे बोलते हैं जिसको आप लोग, शहीद दिवस, पता होगा आपको, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा आपने, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो इस दिन आपका क्या होता है, मेट्रोलॉजी डे आपका बनाया जाता है। तो मेट्रोलॉजी डे कब बनाया जाता है आपका, 23 मार्च को आपका बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखने का, डेज वगैरह पूछे जाते हैं। और 24 मार्च को, एक तो मेरा बर्थडे भी है, और साथ साथ आपका जो बनाया जाता है वो आपका टीबी डे बनाया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस पढ़ेंगे, ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज होती है, और आपके टीबी डे होता है वो भी बनाया जाता है, तो ध्यान रखेगा। और टीबी की थीम क्या है, चलिए टीबी की थीम पूछ लेते हैं, थीम बताइए टीबी की क्या है, और टीबी से मुक्त कब होगा, टीबी की थीम कोई बता सकता है, एनी आइडिया, टीबी डे की थीम नहीं, टीबी की थीम क्या है, और टीबी से कब मुक्त होगा भारत, टीबी से एलिमिनेट कब होगा पूरी तरीके से भारत, ये नारा कब का दिया गया है, जनरल क्वेश्चन है ये, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी तरीके से बेसिस पूछे थे। टीबी से एलिमिनेट कब होगा देश, आपको मैं तीन ऑप्शन दे रहा हूं, जरा बताइए, 2023, 2024, 2025 और 2026, जरा फिर से बताइए, तीन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट बताइए। टीबी से 2024 बता रही है अदिति जी, 2025 आदर्श जी बिल्कुल सही है, 2025 तक हमारा देश क्या होगा, टीबी से मुक्त हो जाएगा। आपने स्लोगन भी सुनेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये स्लोगन है, इस बार दिया गया था आपके, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है तो टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये 2025 तक पूरा तक रिमूवल होता है, कि 2024 तक, अदिति जी आप तो को बता दूं, 2024 तक जो मोदी जी ने नारा दिया गया था कि आपकी जो इकोनॉमी हो जाएगी वो 6 ट्रिलियन हो जाएगी, 6 ट्रिलियन का जो वादा करा गया है वो मोदी जी ने बोला कि 2024 तक। ये क्वेश्चन अभी आया भी हुआ है, अभी रिसेंटली कुछ क्वेश्चंस पेपर आए थे, उसमें जनरली यूपी पीसीएस का जो पेपर इस बार 2020 का हुआ था, उसमें क्वेश्चन भी आया था कि 6 ट्रिलियन तक कब तक हो जाएगी इकोनॉमी देश की, तो वो 2024 तक हो जाएगी, ठीक है। अदिति जी कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में आया तो गलत मत करिएगा इसको, ठीक है, ओके क्लास, क्लियर है ना। चलिए क्लास, आपकी माइकोलॉजी, यही क्वेश्चन अभी आया था, देखो क्लास क्वेश्चन आया था यही, माइकोलॉजी की स्टडी को क्या बोलते हैं, फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। आपका अगला क्या होता है, न्यूमिस्टिक, अगला क्या है आपका, न्यूमिस्टिक, न्यूमिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कॉइन्स होते हैं आपके, जो सिक्के होते हैं, ठीक है, कॉइन्स की जो स्टडी होती है, कॉइन्स कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, या उनका शेप कैसे होता है, उनके अंदर उसकी आकृति क्या होती है, उस पर शेप स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो बेसिकली क्योंकि टेराकोटा के सील्स वगैरह, कॉइन्स वगैरह भी पुराने टाइप के होते हैं, उसकी स्टडी को न्यूमिस्टिक बोलते हैं। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, न्यूमिस्टिक कई बार वनडे एग्जाम से क्वेश्चन आ गया। ऑर्निटोलॉजी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में भी साथ साथ आपके जीएस के पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया। ऑर्निटोलॉजी क्या होता है, ऑर्निटोलॉजी आपको दिख रहा होगा बर्ड्स की स्टडी को, जो आपकी चिड़िया है, बेसिकली बर्ड्स हैं। देखो क्लास, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, जल्दी जो हमारे फ्लोरा फूना होते हैं ना, फ्लोरा फूना मतलब जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी रिलेटेड भी स्टडी से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, टाइगर रिजर्व्स भी पूछे जाते हैं, तो हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ऑर्निटोलॉजी क्या होता है आपका, बर्ड्स जो आपकी चिड़िया है बेसिकली उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्निटोलॉजी। पैथोलॉजी, देखिए पैथोलॉजी क्या होती है, पैथोलॉजी लैब्स होती हैं, आप जानते हो, जनरल चीजें से पढ़ो आपको क्लियर होंगी, पैथोलॉजी लैब्स होती हैं, आप पैथोलॉजी लैब्स में जाते हो, पैथोलॉजी लैब्स का काम क्या होता है, देखिए पैथोलॉजी लैब्स का बेसिकली ये काम होता है कि आपकी जो डिजीज है या आपके जो ब्लड है टेस्ट, उसको डायग्नोस करना, या ब्लड टेस्ट करना, या यूरिन टेस्ट करना, अलग तरीके के टेस्ट होते हैं उनको डायग्नोस करना, बेसिकली आप कह सकते हो पैथोलॉजी जो डिजीज होती है, ठीक है, डिजीज, ये को ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो डिजीज से रिलेटेड चीजें होती हैं या डिजीज की स्टडी को क्या होते हैं, वो पैथोलॉजी बोलते हैं। पैलियोबॉटनी कुछ नहीं होता, पैलियोबॉटनी पूछा जाता है, पैलियोबॉटनी क्या होता है, जो आपके फॉसिल्स, जो प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, जीवाश्म जिनको बोलते हैं हिंदी में, जो प्लांट फूल आपके, जो पत्ती वगैरह जो आपके जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो उनसे बेसिकली जो निकलती है वो प्लेटोलॉजी बोलते हैं। फिजियोग्राफी कुछ नहीं, जो फिजिक स्ट्रक्चर होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर, जो अर्थ का कैसा स्ट्रक्चर है, कि बोलते हैं कि अर्थ में क्या होता है, 70% वाटर है, 30% लैंड है, उसका जो फिजिक स्ट्रक्चर है ना वो चीज बोलते हैं। अब फाइकोलॉजी, देखो क्लास, फाइकियोलॉजी जो ह्यूमन माइंड की स्टडी होती है, देखो अभी क्लास आपको बता दें, रिसेंटली जो आपके रेलवे के पेपर चल रहे हैं, ये रेलवे वगैरह के पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से बहुत पूछे जा रहे हैं, रेलवे के जो अभी रिसेंटली आपके एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं उसमें क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ये स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, हो सकता है अगर आपका हो किसी का एनटीपीसी का पेपर या आपने ग्रुप डी वगैरह डाला हो, ठीक है। हेलो, साउंड नहीं आ रही अदर जी, हेलो, ओके ओके
ठीक है ओके। हेलो 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 You are now आवाज muted. आवाज नहीं आ रही भाई। You are now unmuted. ओके क्लियर आ गई आवाज क्लास। हाँ क्लास, हम लोग जो देख रहे थे आपके पीसी कल्चर, देखिए कल्चर्स की भी स्टडीज होती हैं। पीसी कल्चरल जो बेसिकली क्या होता है आपके, पाइसी कल्चर जो होते हैं बेसिकली पाइसिस से डील करता है। पाइसिस मतलब आपकी जो होती है फिशेस, जो फिशेस वगैरह होती हैं जो इनकी स्टडी से आपका डील करता है। ठीक है, स्पाइसेस की जो स्टडी You are होती now है muted. उसे क्या होता है You are आपके now unmuted. फिशेस। फिशेस की जो स्टडी होती है वो आपकी क्या होती है, वो पाइसेस बोलते हैं, पीसी कल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं। पीसी कल्चर के बाद आपका जो अगला आपको दिख रहा है रेडियोलॉजी। ठीक है, बेसिकली रेडियोलॉजी आपकी जो रेडियो वेव्स वगैरह होती हैं या आपकी जो रेडिएंट एनर्जी होती है, ठीक है, मैं उसकी बेसिकली आपसे डील करता है। सेस्मोलॉजी, देखो क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, आपने नाम सुना होगा अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, कौन सा स्केल आपका यूज करा जाता है, स्केल का नाम बताइए जो आपकी इंटेंसिटी बताता है, स्केल जो इंटेंसिटी आपकी बताता है अर्थक्वेक की। ओके करेक्ट, आदर जी बता रहे रिक्टर स्केल, करेक्ट। रिक्टर स्केल आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट्स भी पूछे जाते हैं, अभी आगे इंस्ट्रूमेंट्स भी देखेंगे। रिक्टर स्केल जो होता है बेसिकली आपकी क्या होता है, अर्थक्वेक को बेसिकली बताने में आपको मदद करता है। ठीक है, तो सेस्मोलॉजी जो अर्थक्वेक की स्टडी से आपसे क्या करती है, डील करती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो आपको दिखाई दे रहा है क्लास वो आपका सेरिकल्चर। सेरिकल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वेश्चन कई बार आता है, ये कल्चरल वगैरह जो होते हैं रेवोल्यूशन कल्चरल ये सब पूछे जाते हैं। तो सेरिकल्चरल जो आपसे डील करता है सिल्क वर्म से, अगर भी बात करी जाए एसएससी के सीजल सीएचएसएल एग्जाम में जो जनरली क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म क्या कहलाता है, चार ऑप्शन दे देता है आपसे। तो सेरिकल्चर आपकी जो सिल्क वॉर्म जो होता है आपके वूल वगैरह जो होती है उससे जो आपके मिलता है आपके वो उससे डील करता है, वो आपके डील करता है उसके सेरिकल्चर से डील करता है। टेक्सोलॉजी, टेक आपके टॉक्सिलोजी, टॉक्सिक बोलता है ना, टॉक्सिक एजेंट है बहुत ज्यादा। टॉक्सिक एजेंट जो बेसिकली जो ड्रग्स वगैरह होते हैं हमारे, जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग जब मेडिसिन वगैरह लेते हो तो आपको जल्दी नशा और इस तरीके की चीजें आपकी हो जाती हैं। तो बेसिकली जो टॉक्सिलॉजी जो बेसिकली मेडिसिन डिजीज ट्रीटमेंट में आपको जो मदद करती है वो टॉक्सिलॉजी सबसे डील करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्लास, अब तो अभी यहां तक क्लियर है क्लास टॉपिक आपका, तो आपके दो टॉपिक क्लियर हो गए, एक तो आईज का क्लियर हो गया थ्रू एयर वन एमसीक्यू और थ्रू वन एमसीक्यू क्लियर क्लास, और आपका क्या हो गया स्टडी भी आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्टडीज हैं जो आप पढ़ लीजिएगा क्लास, और क्योंकि ये एग्जाम्स में आपको ना तो आपको साथ ही साथ आपको जीएस में मदद करेंगी इंग्लिश में, और साथ साथ आपको रीजनिंग में भी क्या करेंगी बड़ी हेल्पफुल होंगी। तो क्लास अगला टॉपिक देखते हैं विटामिन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन। पहले आप तो आंसर दीजिएगा, ठीक है, तो आंसर दीजिएगा सबसे पहले बताइए क्लास, थर्ड का आंसर बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, कुछ वनडे एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, आपको पता होगा बेसिक बेसिक जी चीजें। दिव्या जी बता सकती हैं इसका आंसर, बेरी बेरी किससे होता है। हेलो क्लास, आंसर प्लीज। दिव्या जी बता रही हैं बी, बेरी बेरी बी, वाह भाई ऑप्शन बी बी है और बेरी बेरी है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से ही क्या होता है, बेरी बेरी होता है। चलिए क्लास अगला ऑप्शन आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई, आप आंसर बताइए, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। सनशाइन विटामिन, ओके विटामिन, क्योंकि नेचुरल सोर्स होता है सनलाइट, ठीक है कह सकते हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन फोर्थ का, चलिए फिफ्थ का आंसर बताइए क्लास, पहले आप लोग ट्राई करिए अपने बेसिस पे। फिफ्थ का आंसर वाटर सोल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, देखिए क्लास वाटर सोल्युबल आपके दो विटामिन होते हैं बी और सी, याद रखिएगा क्वेश्चन आ जाता है कौन से दो विटामिन आपके सोल्युबल होते हैं, तो बी और सी जो होते हैं जो आपके होते हैं जल में घुलनशील, ऐसे विटामिन जो लंबे समय तक आपके शरीर में रहें वो चीज क्या होते हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन। बी और सी क्या होते हैं आपके, वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, चलिए क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
पहले आप लोग अपने एंड पे ट्राई करिए, फिर हम टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। चलिए बताइए, विटामिन ए विटामिन विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉगुलेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से वनडे एग्जाम में आता है। जब विटामिन के टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ोगे, ये क्वेश्चन आपको मतलब कह सकते हो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तीन चार क्वेश्चन तो ऐसे हैं एसएससी के जो बहुत फेवरेट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। अब किसकी शिफ्ट में आते हैं नहीं आते, लेकिन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ तो क्लास बता सकते हैं, विटामिन सी। ओके, सी का आपका विटामिन के, विटामिन के की बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल सही बता रहे हैं आपके आदर्श जी, कि विटामिन के क्या होता है, कॉगुलेट करता है ब्लड को, बल्कि रक्त का थक्का बनाता है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सेवेंथ का बताइए, पहले बता दीजिए आप लोग अपने एंड पर ट्राई करिए कि आपको कितनी नॉलेज है। नॉलेज काफी अच्छी है, डगला क्रास को। ओके करेक्ट, रिकेट्स आपके सूखा रोग कहलाता है। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी हो जाती है अगर हड्डियां कैल्शियम जल्दी कमी हो जाती है, फास्फोरस की हड्डियां कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती है। चलो क्लास अगला क्वेश्चन बताओ, विच इज एट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिव फॉर ड्रीम्स। ड्रीम्स देखने में कौन सा विटामिन मदद करता है, ये क्वेश्चन थोड़ा नया दिखाई दिया। सपने कौन से आते हैं विटामिन से, अगर विटामिन की कमी हो जाए सपने ज्यादा आने लग जाए, जरा बता सकते हैं एनीबॉडी? दिव्या जी आप रॉन्ग है, आदर्श जी करेक्ट है। विटामिन बी सिक्स पढ़ेंगे भी, बायोटीन होता है विटामिन बी सिक्स। ठीक है, हेयर फॉलिंग वगैरह भी जल्दी होती है, बी सेवन से हेयर फॉलिंग वगैरह बहुत होती है जब बायोटीन होता है आपके। ठीक है, पेरिडॉक्सिन होता है उसका केमिकल नेम, पेरिडॉक्सिन होता है बी सिक्स का। और बायोटीन होता है ना शैम्पू के अंदर लिखा होता है बायोटीन, बायोटीन से निर्मित जो हेयर फॉलिंग को जल्दी बताते हैं। अगला बताइए, विटामिन बी ट्वेल्व बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास, बी ट्वेल्व बता सकते हैं क्या होता है बी ट्वेल्व? एनी आइडिया? विटामिन बी ट्वेल्व, दिव्या जी करेक्ट कर लीजिए आंसर। दिव्या जी इसका आंसर जो है बी सिक्स है। ठीक है, ड्रीमिंग के टाइम। ठीक है, आपका आदर्श जी बहुत स्ट्रांग है, आदर्श जी आंसर दे रहे हैं कि सर विटामिन बी ट्वेल्व कंटेन होता है कोबाल्ट। ठीक है, सीओ क्या है आपका? कोबाल्ट है। जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री तो बताएंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कोबाल्ट का, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्लास अब थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि आपका, ठीक है आपका अगली चीज क्या होती है, थोड़ा बहुत डिटेल का टॉपिक पढ़ते हैं क्योंकि हमारा तीसरा टॉपिक भी तैयार हो जाएगा यहाँ से, विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्लास, चलो विटामिन्स के बारे में थोड़ा सा समझाते हैं आपको, क्लियर है यहाँ तक? देखो क्लास, विटामिन्स कुछ नहीं है, विटामिन्स आपका पहली बात तो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, विटामिन्स क्या है, एक आपका क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब जो बहुत लिमिटेड लेवल में इसकी जरूरत होती है। ठीक है, लिमिटेड लेवल में इसकी जरूरत होती है, और जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन वगैरह जो होते हैं, जो इनका मेटाबॉलिज्म होता है, इनका मेटाबॉलिज्म होता है उसमें आपका क्या होता है, विटामिन मदद होता है। देखो क्लास, अगर आप कभी आगे जाके सीडीएस वगैरह की तैयारी कर रहे होगे, तो अगर सीएपीएफ की भी तैयारी कर रहे होगे, तो उसमें कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चन वो बेसिक ही स्टेटमेंट पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओ तो ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चन यहीं से पूछ ले जाते हैं। तो विटामिन्स एक तरीके का कैसा आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक जो इससे डील करता है आपके कार्बन से डील करता है। बेसिकली ऑर्गेनिक पार्ट क्या होता है आपके, जो आपके कार्बन से डील करता है वो आपको ऑर्गेनिक पार्ट होता है। तो कार्बन से जो बेसिकली डील करता है, जिसमें कार्बन की चेन होती है, जो पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, जो कार्बन से डील करे वो पार्ट क्या कहलाता है आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक तो पहली बात। उसके बाद विटामिन क्या करता है आपकी मेटाबॉलिज्म, जितने भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है बेसिकली हमें। और विटामिन जो होता है हम लोग बाहर से लेते हैं, जिस तरीके से लिखा हुआ गया है कि आपकी सिंथेसिस नहीं होती, इनकी सिंथेसिस मतलब इसका जो निर्माण होता है हमारे शरीर में नहीं होता, ये हम लोग क्या होते हैं बाहर से इनटेक लेते हैं, डाइट के थ्रू लेते हैं। तो बेसिकली ये चीज विटामिन कहलाती है। तो विटामिन के बारे में क्लियर है क्लास? क्लियर क्लास? ओके, विटामिन्स क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और बेसिकली जो प्रोटीन वगैरह खाते हैं उनके मेटाबॉलिज्म में हमें मदद करती है, हमारे बॉडी में सिंथेसिस नहीं करती, हमें बाहर से क्या होती है इनटेक लेनी पड़ती है। चलो क्लास अब कुछ पढ़ते हैं विटामिन्स के बारे में। देखो क्लास, विटामिन से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं आपको पहले बता दें। विटामिन से क्वेश्चन आते हैं, एक तो उनका केमिकल नेम पूछा जाता है, केमिकल नेम के साथ साथ क्या होते हैं उनके जो आपकी क्या होती है डिजीज होती है, अगर उनकी कमी से जो होने वाला रोग होता है वो जल्दी क्वेश्चन आते हैं, केमिकल नेम पूछे जाते हैं, और जो उसका मुख्य मेन सोर्स है कि ये चीज आप लोगे और इससे ये चीज क्या होगी, इसकी कमी जो होगी आपकी पूरी हो जाएगी।
ठीक है। तो सबसे पहले देखना चालू करते हैं एक एक करके, जिस तरीके से टेबल बनी है, टेबल के थ्रू आप इजिली समझ सकते हो किसी चीज को, ठीक है। हमारे आज क्लास के अंदर तीन टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, देखिए तीन एमसीक्यू से हमने तीन टॉपिक क्लियर करें, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं सबसे पहले विटामिन ए। देखिए विटामिन ए का नाम जो होता है रेटिनॉल, इसका केमिकल नेम क्या होता है रेटिनॉल। देखिए रेटिनॉल बना कैसे, पहली बात रेटिनॉल कैसे बना, रेटिनॉल बना है रेटिना के नाम से। अभी कुछ मिनट पहले हमने एक चीज समझी थी, आईज में एक पार्ट होता है रेटिना, आईज में एक पार्ट होता है रेटिना जहां पे क्या बनती है इमेज बनती है। ये रेटिनॉल कहां से नाम आया, रेटिनॉल वहीं से आया रेटिना के नाम से, रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल आपका नाम जो आया रेटिना के नाम से ही आया, इसका मतलब विटामिन ए की कमी आपके शरीर में होगी तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑर्गन इफेक्ट होगा, बता सकते हैं क्लास कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होगा, कोई क्लियर बता दोगे इजली, क्योंकि अभी हमने आइस, करेक्ट अदिति जी बिल्कुल करेक्ट हैं, अब आंसर अदिति जी बिल्कुल सही दे रही हैं, ठीक है। बीच में गलती हो गई थी अदिति से, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आइस दे रही है, आइस अफेक्टेड होती है क्लास, क्या होती है आपकी आइज अफेक्टेड होती है, और इसका केमिकल नेम रेटिनॉल, और इससे होने वाला रोग जो होता है वो आपका होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होता है जल्दी आपको नाइट, रतौंधी एक चीज क्या होती है बेसिकली आपको हर चीज इमेज क्लियर नहीं दिखाई पड़ती, यू हैव टू सी द इमेज इन अ ब्लर फॉर्म, ब्लर फॉर्म में आपको इमेजेस दिखाई पड़ती है, तो जल्दी इसको आपका नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। एक पॉइंट और नोट करना क्लास, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं करा, एक पॉइंट और नोट करना क्लास, नोट करेगा क्लास आपका जो, मैं नोट कर देता हूँ आपको, लिख देता हूँ आपके, जीरो पैथलीमिया बोला जाता है आपके, एक क्वेश्चन कई बार आता है कि जीरो पैथलीमिया होता है आपका, सेकंड नेम होता है आपके, सेकंड नेम ऑफ विटामिन ए, अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ए का सेकंड नेम क्या होता है क्लास, नोट कर लीजिएगा जीरो पैथलामिया, जीरो पैथलामिया इज अ सेकंड नेम ऑफ विटामिन ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, कई बार पूछा जाता है, जब आप प्रैक्टिस ईयर आज प्रैक्टिस करके देखना आप सब, आप लोग क्लास प्रैक्टिस करके देखना, क्वेश्चन क्वेश्चन मैं भी दूंगा आपको, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखना आपको कितना इफेक्टिव रहेगा चीजें, ठीक है। आपके एमसीक्यूज भी क्लियर होते जाएंगे, आपका टॉपिक भी क्लियर होगा। जीरो पैथलेमिया क्या होता है, सेकंड नेम होता है विटामिन ए का, या आपका नाइट ब्लाइंडनेस का सेकंड नेम होता है, क्लियर सर। जीरो पैथलीमिया याद रखिएगा, रिलेटेड टू विच, ठीक है। अब क्लास देखो, आपसे यहाँ पे रिच सोर्स नहीं लेना, रिच सोर्स कोई बता सकता है विटामिन ए का, रिच सोर्स एनीबॉडी टेल, कोई बता सकता है, फिर मैं आपको घर के हिसाब से बताऊंगा, आपके घर में बोलते हैं लोग रिच सोर्स बता सकता है कोई, एनीबॉडी कैन टेल मी द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, एनीबॉडी ट्राई कर सकता है कोई भी, शुभम जी ट्राई कर सकते हैं, शुभम जी ट्राई कर सकते हैं, बताइए आदित्य जी बताइए क्या हो गया, आदर्श जी कहाँ हो गए, सो गए क्या, अभी तो आंसर दे रहे थे, बताइए बताइए वंश जी बताइए आंसर, कैरेट, करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर दिया, कैरेट, कैरेट के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है, तभी बोलते हैं घर वाले गाजर और चुकंदर नहीं, आलमंड्स में है लेकिन आपके कैरेट में सबसे ज्यादा होता है वंश जी, कैरेट में सबसे ज्यादा होता है, रिच सोर्सेस कैरेट, क्वेश्चन आ जाता है देखो, तभी तो घर वाले बोलते हैं कि आंखों की रोशनी को अगर बढ़ाना है तो कैरेट खाओ, गाजर खाओ, चुकंदर खाओ, लाल चीजें खाओ, ठीक है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स सब में होता है, आदित्य जी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें जो क्या है, हमें मेन सोर्स पढ़ना है, सोर्सेस बहुत सारे हैं, डेयरी में भी होता है, इसमें भी होता है, एग में भी होता है, मीट में भी होता है, हमें बेसिकली सब्जी मंडी नहीं बनानी, हमें क्या मेन सोर्स पढ़ना है, हमें क्या है बेसिकली मेन सोर्स पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, तो हमारे एग्जाम के लिए पूछेगा विटामिन ए का रिच सोर्स क्या है, तो हमारे लिए क्या, कैरेट, गाजर, गाजर के अंदर सबसे ज्यादा होता है आपके, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नाइट ब्लाइंडनेस क्लियर हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस होता है उसको जीरो नाम, जीरो पैथलीमिया बोला जाता है। अब क्लास अगला हम लोग पढ़ेंगे आपका जो होता है, पहले हम लोग विटामिन बी के बारे में, सी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, विटामिन सी क्या होता है, फिर उसके बाद बी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि विटामिन बी बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। देखो विटामिन सी क्या होता है, ठीक है, पहली बात आपको बता दें, विटामिन सी आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी बनाने का काम क्या होता है विटामिन सी का होता है, इसका केमिकल नेम SSC सीजल 2017 के पेपर में, ठीक है, शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, ये छोटे वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखते विटामिन सी, देखिए आपको पहले बता दें विटामिन ई सबसे पहले डिस्कवर्ड विटामिन है, सबसे पहले जितने विटामिन हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले डिस्कवर्ड विटामिन आपका क्या है, विटामिन सी, और ये इकलौता ऐसा विटामिन है जो क्या है प्रोटीन लेस, इकलौता ऐसा विटामिन जो क्या है क्लास प्रोटीन लेस है,
जो क्या आपका प्रोटीन लेस है, इसमें कोई भी मट्टी लेस का मतलब इसमें कोई भी प्रोटीन का स्रोत नहीं आएगा, मतलब ना तो अंडा आएगा। और प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें होता है क्लास, जरा ये बताइए मुझे, प्रोटीन का रिसोर्स क्या है? प्रोटीन का रिसोर्स बताएगा क्लास कोई, प्रोटीन का रिसोर्स क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम्स में। एनीबडी कैन टेल मी द रिसोर्स ऑफ प्रोटीन? पल्सेस, पल्सेस में भी कुछ बताइए, मतलब पल्सेस हैं लेकिन पल्सेस के अंदर एक मेन सोर्स बताइए। सोया बीन, करेक्ट आदर्श जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। शुक्र है किसी ने अंडा नहीं बोला, शुक्र है अंडा नहीं बोला। ऐसे भी आजकल बर्ड फ्लू बहुत ज्यादा फैल रहा है। अच्छा बर्ड फ्लू फैल रहा है ना, चलो बर्ड फ्लू का फॉर्मूला बताएंगे मुझे, क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन से क्लास। बर्ड फ्लू, एनीबडी कैन टेल मी द, सोयाबीन करेक्ट आंसर है, सोयाबीन के अंदर आपका प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। एनीबडी कैन टेल मी द फॉर्मूला ऑफ बर्ड फ्लू? एक्स नहीं होता अदिति जी, एग नहीं है, प्रोटीन लेस है, मैंने पहले बोला इसके अंदर कोई भी प्रोटीन का स्रोत नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, एग नहीं होगा। बर्ड फ्लू का कोई फॉर्मूला बता सकता है? एनीबडी कैन टेल मी द फॉर्मूला ऑफ बर्ड फ्लू? देखिए रिसेंटली चल रहा है, H1 जैसा कुछ होता है, हाँ H1 जैसा ही होता है, H1 जैसा होता है, सोच लो वो कहीं स्वाइन फ्लू तो नहीं होता, सोच लो। देखो बर्ड फ्लू चल रहा है आजकल, ध्यान रखना करंट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, जरा बर्ड फ्लू का फॉर्मूला बता दिए, वो साइंस का क्वेश्चन है, कोरोना वायरस भी चल रहा है तो भाई ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑप्शन दीजिए, ओके ऑप्शन देते हैं, चलिए H1N1 पहला ऑप्शन, अगला ऑप्शन है आपका H2N1, अगला ऑप्शन है H5N1 एंड आपका H7N8, बताइए क्या आंसर होगा बर्ड फ्लू का। देखो हम चीज को पढ़ेंगे बिल्कुल करंट से लेकर चीजों को, हमें बिल्कुल ऐसा चीज होनी है। H1N1 आदर्श जी बोल रहे हैं H1N1, नो आदिति जी राइट है, आपका H5N1 होता है, H5N1 इज करेक्ट आंसर, H5N1 इज करेक्ट। देखिए आदर्श जी आपको एक बता दें, आदर्श जी जो आप आंसर दे रहे हो, आदर्श जी जो आपने H1N1 बोला है, H1N1 जो होता है वो हमारा होता है आपका स्वाइन फ्लू का आपके, ठीक है, ये किसका होता है, स्वाइन फ्लू का होता है। पढ़ेंगे जब डिजीज पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाएंगे स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू होता है क्या, ये कैसे ओरिजिनेट होता है, ठीक है, जब कभी टाइम मिलेगा आपको आराम से बताएंगे, क्योंकि वो आपके लिए भी इतना जरूरी नहीं है आपका, ठीक है, आपके लिए जो जरूरी है उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो क्लास H1N1 से जो होता है वो स्वाइन फ्लू होता है, याद रखिएगा, और बर्ड फ्लू होता है H5N1 से, क्वेश्चन आ जाएगा 100% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि रिसेंटली चल रहा है, करंट के फॉर्म में भी आ सकता है वो, साइंस के फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो आपको मैंने बताया क्या होता है, प्रोटीन लेस विटामिन है। चलिए विटामिन सी पे आ जाते हैं, विटामिन सी कैसा है आपका, प्रोटीन लेस विटामिन है, ठीक है, इसमें कोई भी प्रोटीन का स्रोत नहीं आएगा। आपका एस्कॉर्बिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है। चलिए क्लास इसका रिस्क सोर्स बता सकते हैं, रिस्क सोर्स कोई एनी आइडिया, किसी को आइडिया हो अगर तो ट्राई कर सकता है, रिस्क सोर्स ऑफ विटामिन सी, ओके विटामिन सी का रिस्क सोर्स, आदित्य जी कह रहे हैं टमाटो, नहीं आदित्य जी थोड़ा रॉन्ग है आप, टमेटो में नहीं होता विटामिन सी, होता है लेकिन रिच नहीं होता, मैं रिच सोर्स रहा हूँ, मेरे को एक सोर्स चाहिए, मतलब सारे सोर्स होता है लेकिन मुझे जो सोर्स चाहिए। आदर्श जी बिल्कुल करेक्ट है, सिट्रस फूड में होता है लेकिन सर मैं मेन सोर्स पूछ रहा हूँ, तो ध्यान रखना मेन सोर्स क्या होता है, आंवला। आदर्श जी बिल्कुल करेक्ट है, आंवला के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, याद रखिएगा, आज कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, सिट्रस फ्रूट के अंदर होता है बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए आपको ऑप्शन में सिट्रस फ्रूट भी दिया जाए और आंवला दिया जाए तब क्या लगाओगे, तब तो आंवला लगाओगे ना, तो ध्यान रखना सर आंवला को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में ओके इंग्लिश में देखना पड़ेगा क्लास, कोई नहीं देख के भी बता देंगे आपको, ठीक है चेक कर लीजिएगा एक बार, वर्षी एक बार चेक कर लीजिएगा इंग्लिश में इसको, ठीक है इंग्लिश वाली मैम से पूछ लीजिएगा आप, क्लास होगी, ठीक है ठीक है तो ठीक है, हाँ लिख आंवला ही आएगा, टेंशन मत लीजिए, आंवला ही आएगा, आंवला ही आएगा, टेंशन ना लीजिए, आप प्रैक्टिस भी करके देखिएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आंवला मिलेगा आपको, ऑप्शन भी मिलेगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है पीसीएस के पेपर में 2017-18 के पेपर में आपके क्वेश्चन भी आया हुआ, रिसोर्स ऑफ विटामिन सी क्या होता है, आपके आंवला आंवला आएगा वंश जी, टेंशन मत लीजिए, आंवला लिख के ही आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा, इतना नहीं होता इंग्लिश में ही आएगा, अगर नहीं भी हो ठीक है शायद, गोसबेरी कहते हैं शायद, ठीक है आमला आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ लीजिएगा आप इंग्लिश वाली मैम सर ने,
ठीक है। चलिए अपन लोग आते हैं विटामिन सी के बारे में। अच्छा अब और भी सोर्स होते हैं, सिट्रस फूड, ठीक है, सिट्रस फूड भी होता है, करेक्ट है। अच्छा अच्छा एक बार बताइए, इसकी होने से कौन सा रोग होता है? जैसे लिखा हुआ है ना, इसके कमी से होने से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होने से क्या होता है आपका? स्कर्वी होता है। क्लास क्या होता है? इसकी कमी से होने वाला रोग क्या होता है आपका? स्कर्वी। क्लियर है क्लास? क्लियर एकदम? ऑल क्लियर मत कर देना, क्लियर रखना, क्लियर मतलब और क्लियर मतलब पूरा खत्म। क्लियर है क्लास आपको? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ओके, कोई और क्लियर मत लिख देना, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी। देखो क्लियर, स्कर्वी क्या होता है क्लास, बताते हैं आपको स्कर्वी क्या चीज होती है। देखो अगर आपकी ब्लीडिंग, अगर आपके जो गम्स होते हैं, आपके गम से क्या हो जाए, ब्लीडिंग होना चालू हो जाए बहुत, आप ब्रश करते हो, ठीक है, ब्रश करा और ब्रश हल्का सा आपके गम्स में लग गया, आपका जो गम्स होते हैं ना, जब पढ़ेंगे टीथ के बारे में बताएंगे, जो हल्का सा आपका ब्रश अगर लग गया, ब्रश कट मतलब आपका जो ब्रश अगर हल्का सा टच हो गया और गम से आपका खून निकलना लग जाए, खून बार बार निकल रहा है, खून निकलता चला जा रहा है, मतलब बार बार आपने रोज 4 दिन करा, 5 दिन ब्रश करा, खून निकलता जा रहा है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं विटामिन सी की कमी है आपके शरीर में। तो ध्यान रखिएगा, जब विटामिन सी की कमी ऐसी दिखाई पड़े तो आंवला खाइए को, क्योंकि आंवला के अंदर काफी ज्यादा रिच सोर्स है विटामिन सी का। देखिए प्रैक्टिकल है चीज, हम जो चीज पढ़ेंगे प्रैक्टिकल पढ़ेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे चीजों को, तो आपको चीजें क्लियर होंगी। तो ध्यान रखिएगा, आंवला ज्यादा खाइए और सिट्रस फ्रूट भी खाइए। सिट्रस फ्रूट के अंदर आपके लेमन, पोर्शन कई बार आता है कि लेमन के अंदर कौन सा है, सिट्रिक एसिड होता है आपके, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, सब खट्टे फल होते हैं, ये जरूर खाइए, इनका सेवन जरूर करिए, ये आपकी जो गम से ब्लीडिंग होती है इनको रिमूव कर सकते हैं और ये स्कर्वी कहलाता है, ठीक है। एक तो स्कर्वी की प्रॉब्लम आती है क्लास, एक और चीज होती है आपको प्रॉब्लम आती है हीलिंग, ये पॉइंट यहां नहीं लिखा, आपको बताते हैं हीलिंग। हीलिंग मतलब आपके जो घाव होते हैं, घाव भरने में समस्या आती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके सीजीएल के पेपर में आया हुआ है, रेलवे के आपके जेई का जो पेपर हुए थे अभी 2017-18-19 में पेपर हुए थे, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो हीलिंग प्रॉब्लम होती है किस विटामिन की कमी के कारण होती है। हीलिंग मतलब आपके जो घाव हो जाते हैं, चोट लग जाती है, चोट में पानी खून बहता ही चला जा रहा है लेकिन उसके अंदर हीलिंग नहीं हो रही, हीलिंग प्रॉब्लम आ रही है, उसको घाव भरने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हीलिंग प्रॉब्लम की कमी कौन सी होती है? विटामिन सी की कमी से आपकी हीलिंग प्रॉब्लम होती है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने एक चीज पढ़ी विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें होता है? आंवला के अंदर होता है। इसकी कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब क्या होता है? आपके गम से ब्लीडिंग आता है क्वेश्चन, गम से ब्लीडिंग होना ये विटामिन सी की कमी कहलाता है, ठीक है। और आपका जो होता है, अच्छा जीरो पैथलेमिया फिर से बताएंगे क्लास, जीरो पैथलेमिया कौन सा विटामिन, कौन सा विटामिन, कौन सा विटामिन? ए सी, ए सी, हाँ इट्स ए ना, जीरो पैथलेमिया आपका दूसरा नाम होता है किसका? नाइट ब्लाइंडनेस का। ओके चलो क्लास अगला आते हैं विटामिन डी। ओके बिल्कुल सही है सोनम जी, करेक्ट है, आदर्श जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, मतलब क्लास में अटेंटिव हो, क्लास में अटेंटिव रहो, एनर्जेटिक रहो, ठीक है, ठीक है। अभी कुछ डिस्कशन करेंगे एग्जाम्स के रिगार्डिंग, किस तरीके से क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इनिशियल क्लास स्टार्ट कर दी थी, थोड़ी लेट हो गई थी इसलिए मैंने थोड़ा पढ़ाने पे फोकस ज्यादा रखा, ठीक है, और क्लास में फोकस भी करेंगे, मजे भी करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चीजें क्लियर होकर आपको होंगी, ठीक है, और करंट से रिलेट करके पढ़ाऊंगा मैं चीजों को, ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। चलो क्लास ओके, चलिए आपका होता है विटामिन डी। विटामिन डी का जो होता है कैल्सिफेरॉल, बहुत सही, देखिए कैल्सिफेरॉल किससे बना, ये कैल्शियम के नाम से बना है, फेरॉल की इंग्लिश होती है आपकी कमी होना किसी चीज की, मतलब कैल्शियम की कमी होना, किसकी कमी से होना, कैल्शियम की कमी होना। अगर आप देखिए तो आपकी हड्डियां होती हैं या बोन्स होती हैं, आप लोग अगर टॉपिक पढ़ेंगे बोन्स के बारे में समझेंगे, बोन्स की जो होती है बेसिकली बोन्स आपकी कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती है, ठीक है। कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो होती है 70%, कैल्शियम कितना होता है इसमें आपका 70% कैल्शियम होता है और आपका जो फॉस्फोरस होता है वो 30% होता है, ठीक है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस से क्या होती है आपकी जल्दी बनी हुई होती है बोन्स, ठीक है। तो कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल, नाम समझ में आ जाएगा, हड्डियां क्या होंगी प्रभावित इसमें क्लास, हड्डियां ही होंगी, क्योंकि हड्डियां किस चीज की होती है आपकी कैल्शियम की बनी हुई होती है, ठीक है। और इसका इससे कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। देखिए दो तरीके के रोग लिखे हुए हैं क्लास, रिकेट्स, रिकेट्स होता है बच्चों के अंदर, रिकेट्स आप ऐसे समझ लो सूखा रोग होता है, बच्चा बिल्कुल सूख जाता है, ठीक है, बच्चे की हड्डी पसली सब दिखाई पड़ने जाती है, मतलब हड्डी चमक रही, कहता ना अरे कभी कभी आप लोग का दोस्त कोई पतला होता कहता है इसकी तो हड्डी बिल्कुल चमक रही है, बिल्कुल इसका मतलब इसके अंदर विटामिन डी की कमी है, तो रिकेट्स ये कहलाता है आपके, जल्दी बच्चों के अंदर रिकेट्स होता है। और जो ऑस्ट्रियो मलेशिया दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रियो मलेशिया या ऑस्ट्रियोफोरोसिस क्या होता है, ये बुड्ढों के अंदर होता है,
जल्दी जब आपके दादाजी वगैरह को अगर होगी तो हड्डियों की विटामिन डी की कमी होती है तो ऑस्ट्रियो मलेशिया होता है, मतलब एडल्ट्स के या ओल्ड एज में जो होते हैं लोग उनको ऑस्ट्रियो मलेशिया होता है। जल्दी क्या होता है, हड्डियों के अंदर क्या होता है, ऑस्ट्रियो मलेशिया क्या होता है, हड्डियों के अंदर बेसिकली छेद हो जाते हैं, छेद मतलब आपके पोर्स हो जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, और इन्हीं पोर्स के अंदर जब पानी भरना चालू हो जाता है, इन्हीं पोर्स के अंदर क्या होता है, जब पानी भरना चालू होता है तो हड्डियां फूलने चालू हो जाती हैं, और हड्डियां फूल जाती हैं तो 55-60 साल के बाद क्या होता है, ये हड्डियों के वीक पड़ जाती हैं, हल्का सा इसमें क्रैक आता है, चट टूट जाती हैं। तो जल्दी क्या होता है, हड्डियों से आपका रिकेट्स होती है बीमारी, ऑस्ट्रोमलेशिया बड़ों में होता है। क्वेश्चन अगर मेंशन आता है कि बड़ों के अंदर कौन सा रोग होता है विटामिन डी की, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रोमलेशिया, अगर आपसे बच्चों के अंदर पूछा तो रिकेट्स होगा, वैसे घुमा के नहीं पूछेगा, आपको क्लियर हो जाएंगी क्लास। ठीक है, तो विटामिन ए क्लियर है क्लास, हर चीज क्लियर है आपको, क्लास क्लियर है ना, बिल्कुल, और क्लियर मत करना, क्लियर ना, ओके अदिति जी बोल रही है क्लियर है, ओके कॉल क्लियर मत करना क्लास, ठीक है चलो, ओके सोनम जी यस क्लियर है, चलो क्लास अगला विटामिन ई। देखिए ये विटामिन बहुत जरूरी है, लड़कियों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इवन सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरी कमी थोड़ी हो गई है विटामिन ए की, आपको कैसे बताता हूँ। देखिए विटामिन ए जो होता है, ई जो होता है आपका ब्यूटी विटामिन होता है, पहली चीज बता दूं विटामिन ई कैसा विटामिन होता है, ब्यूटी विटामिन। पहले हम हर चीज को नेचुरल लेके चलेंगे क्लास, हर चीज को क्या लेंगे, हर चीज को नेचुरल लेके चलेंगे, ये ब्यूटी विटामिन कहलाता है। ब्यूटी विटामिन का मतलब शरीर की खूबसूरती, चेहरे की खूबसूरती, अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स पड़ जाए, ठीक है, विटामिन डी का रिच सोर्स, ओके अदिति जी पूछ रही है रिच सोर्स, देखो आपका होता है लेकिन आपसे रिच सोर्स मेन आपका सनलाइट होता है क्लास, अदिति जी क्या है आपका रिच सोर्स सनलाइट होता है। आपका क्वेश्चन आएगा कि नेचुरल सोर्स क्या है, तो नेचुरल सोर्स और मैक्सिमम मेन सोर्स क्या आपका सनलाइट। देखिए वैसे विटामिन डी सब में होता है, आप लोग मिल्क खाइए, चीज खाइए, कुछ भी खाइए, मिल्क पिए, चीज खाइए, ठीक है, मीट खाइए, ठीक है, फिश लिवर ऑयल कुछ भी खाइए, लेकिन सनलाइट जरूरी है। देखिए आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, जल्दी क्या होते हैं आपके दादाजी वगैरह होते हैं, ठंड वगैरह का टाइम चल रहा है तो ठंड वगैरह में जल्दी क्या होता है, धूप अच्छी होती है, वो जल्दी सुबह सुबह जल्दी जल्दी नहा लेते हैं, और क्या होते हैं सोचते हैं यार धूप में जाना है, धूप में बैठना है, धूप में इसलिए बैठते हैं क्योंकि क्या होता है, धूप से क्या होती है उनकी जो हड्डियां होती है उनकी सिकाई हो जाती है अच्छी तरीके से, और हड्डियों की सिकाई अच्छे से होते होती है, हड्डियों में क्या होती है मजबूती आ जाती है, और ध्यान रखिएगा इसलिए क्या होता है रिच सोर्स क्या है सनलाइट होता है। तो यस मॉर्निंग सनलाइट करेक्ट आदर्श जी, मॉर्निंग सनलाइट बहुत अच्छी होती है, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, पता है सूर्य देवता को जल चढ़ना चाहिए, क्योंकि नेचुरल लाइट्स बहुत इफेक्टिव होती है आपके लिए, ध्यान रखिएगा नेचुरल लाइट, नेचुरल एयर, हर चीज नेचुरल जो अगर लोग है ना वो बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव होती है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ विटामिन ई के बारे में पढ़ रहे थे, ब्यूटी विटामिन, देखिए ब्यूटी विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो शरीर की सुंदरता निखरती है, शरीर की मतलब चेहरे की सुंदरता, मतलब कहीं ना कहीं विटामिन ई की कमी होगी तो आपकी जो ब्यूटीनेस आती है वो आपकी कहाँ से आती है, स्किन से आती है ना, तो ऑर्गन कौन सा इफेक्ट होगा क्लास, स्किन, आपको बता दें सबसे बड़ा ऑर्गन होता है बॉडी का, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ध्यान रखिएगा। किडनी आपका छोटा ऑर्गन होता है और स्किन सबसे लार्जेस्ट, लिवर सबसे बड़ा ऑर्गन नहीं है, लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड नॉट अ ऑर्गन, ठीक है। स्किन में क्या होता है, स्किन में सबसे बड़ा आपका ऑर्गन होता है बॉडी का, स्किन में अगर आपके पिंपल्स टिम्पल्स और आपकी झुर्रियां और ये चीजें पड़ जाए तो समझ जाइए विटामिन ई की कमी है शरीर के अंदर, और विटामिन ई के लिए जो उसका केमिकल नेम होता है, चलिए पहले साइंस पे आ जाते हैं, केमिकल नेम इसका होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है, जब स्किन में आपकी हो जाएगी कमी, चेहरे पे हो जाएंगे आपके पिंपल्स और डिम्पल्स, तो लोग आपको क्या करेंगे, टोकेंगे, क्या करेंगे लोग आपको टोकेंगे, टोकेंगे मतलब आपको, आप याद कर सकते हो उसको टोकोफेरॉल बोला जाता है क्लास, क्या बोला जाता है इसको, टोकोफेरॉल होता है। तो क्लियर है क्लास, चीजें क्लियर हो रही है, देखो चीजें बहुत क्लियर है क्लास, तो अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स और डिंपल्स हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे आपको, टोकेंगे, तो याद हो गया कैसे, टोकोफेरॉल याद हो गया, देखो याद हो जाएंगी चीजें, आप इंटरेस्टिंग पढ़ के पढ़ो चीजों को, शॉर्टेज आप मजाक पढ़ो पढ़ो, और आपके जो नेचुरल सराउंडिंग के अंदर चीजें हो रही है उसको लेके पढ़ो, और मेन क्वेश्चन पेपर में सही करके आइए, वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अच्छा ये सबसे ज्यादा अफेक्ट किसको होता है, स्किन को अफेक्ट करता है, आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, और रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम बहुत होती है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम या प्रजनन तंत्र में क्रिया होती है, जब टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम जो होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ई की कमी से होती है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम, शीट में भी क्वेश्चन होगा जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम होती है, तो बेसिकली विटामिन ई की कमी होती है, ये ध्यान रखिएगा। और विटामिन ई के लिए जैसे सबसे ज्यादा होता है आपकी हरी सब्जियों के अंदर, विटामिन ई का रिच सोर्स क्या है क्लास, आपके हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, घर वाले कहते हैं ना कि भाई ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओ, अरे ऐसी हरी सब्जियां ना खा जाना,
हरी सब्जी खा गए ऐसे ही, ठीक है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, ये वेजिटेबल्स होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, रिच होता है बहुत ज्यादा, ध्यान रखना। ग्रीन स्पेनिश, करेक्ट, स्पेनिश के अंदर सबसे ज्यादा होता है, बिल्कुल सही, स्पेनिश के अंदर आपके बिल्कुल रिच होता है। और हरी सब्जियां जितनी भी अच्छी हैं, पालक खाओ, स्पेनिश खाओ, ये सब चीजें बहुत अच्छी होती हैं, इसमें बहुत अच्छा विटामिन ई होता है, आप अच्छा कर सकते हो। और आप जल्दी, वैसे पानी का कंजम्पशन ज्यादा किया करो, पानी का कंजम्पशन जितना अच्छा करोगे, ठीक है। इधर मेरे थोड़े बहुत विटामिन ए की कमी हो रही है, मेरे पिंपल्स और रिंपल्स आ रहे हैं, ठीक है। विटामिन ए की कमी, थोड़ा बहुत विटामिन बी टू की कमी भी होती है, पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हर चीज नेचुरल है, हर चीज अपने प्रैक्टिकल ही है, तो साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसको प्रैक्टिकल लेके चलो तो चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। विटामिन ए की समझ में आ गया, स्किन में प्रॉब्लम होती है, कोई खास डिजीज नहीं होती इससे, ठीक है। अच्छा, आपका होता है विटामिन के, तो विटामिन के जो होता है आपका होता है फाइलो फ्यूरोक्विनोन, फाइलो क्यूनिनॉन, फाइलो क्यूनिनॉन। विटामिन ए की कमी से आपके क्या होता है, कोई कमी से कोई रोग नहीं, इसमें प्रॉब्लम आती है किसमें, बना सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, जैसे एमसीक्यू में देखा था, ब्लड क्लॉटिंग में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है विटामिन कमी में, आप विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं होती। ब्लड क्लॉटिंग मतलब जो रक्त का थक्का होता है, मतलब ब्लड क्या होता है, बहता जाता बहता जाता बहता जाता, मतलब ब्लड एक प्रॉपर से क्लॉट नहीं होता, ये प्रॉब्लम होती है, तो रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के, क्वेश्चन कई बार आता है, ध्यान रखिएगा, ब्लड क्लॉट में फेलियर होता है। और इसमें भी हरी, बेसिकली इसमें जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यहाँ लिखा नहीं है क्लास, मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो छोटी आंत होती है, जहाँ पे पाचन सबसे ज्यादा अधिक होता है, जहाँ पे क्या होता है डाइजेशन सबसे मैक्सिमम होता है, वो वहां अफेक्टेड होता है आपके, पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट होता है जहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है, क्वेश्चन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी आएगा कि विच साइट वे द मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, तो मैक्सिमम डाइजेशन आपकी छोटी आंत के अंदर होता है, छोटी आंत एक भाग होता है जो बड़ी आंत से बड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा, वहां पे पाचन होता है, वो इफेक्ट होता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब होता है फूड, और ब्लड और प्रॉपर डाइजेशन अगर फूड का नहीं होगा ना क्लास, तो ब्लड ब्लड के अंदर फूड न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, और न्यूट्रिशन डाइजेशन पे ही डिपेंड होता है आपके एब्जॉर्प्शन, ये ध्यान रखना। तो प्रॉपर ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आती है, इससे ब्लड प्रॉपर क्लॉटिंग नहीं कर पाता। अच्छा क्लास, बताएंगे ब्लड क्लॉट में कौन सा हमें मदद करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, कौन बताएगा क्लास, कौन बताएगा, कौन बताएगा, चलो देखते हैं कौन बताएगा। चलिए तीन ऑप्शन है, ब्लड क्लॉट में कौन मदद करता है, वंश जी ने बहुत तेजी से आंसर दिया विद इन अ सेकेंड, और उन्होंने बोला प्लेटलेट्स, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, प्लेटलेट्स जो होती है हमारा बेसिकली ब्लड कॉगुलेशन में मदद करती है, प्लेटलेट ब्लड कॉगुलेशन में मदद करती है, तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा, रक्का थक्का कौन विटामिन होता है आपका, आपका प्लेटलेट्स बनाती है। पढ़ेंगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लेटलेट्स क्या होती है। चलो कौन बता सकता है किसका साइज सबसे बड़ा होता है तीनों में, चलिए बताइए साइज किसका लार्जेस्ट होता है, अगर क्वेश्चन आया है तो यहीं से पढ़ लेते हैं, लार्जेस्ट साइज किसका होता है क्लास, लार्जेस्ट साइज, आंसर बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं आप, आरबीसी का नहीं होता, आदर्श जी गलत है, अदिति जी है, वंश जी थोड़ा कंफ्यूज हैं, लेकिन वंश जी कंफ्यूजन में आपका ग्रेट दूर कर देता हूँ, आपका आंसर सही है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी की काउंट ज्यादा होती है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का साइज ज्यादा होता है, पढ़ेंगे ये सब क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं चीजें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं क्लास, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, यहाँ तक कोई भी डाउट हो क्लियर है, ठीक है, थोड़ा बहुत कल इंट्रो करेंगे फिर पढ़ेंगे, थोड़ा डिलेट हो गई थी क्लास, ठीक है, क्लियर है, पक्का, कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो किसी भी चीज में आप पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करिएगा, मैं भी आपको शीट्स बना के दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपको जो प्रैक्टिस में डाउट हो पहले हम डिस्कस करेंगे आपके डाउट्स, और आपकी जो आपके जो डाउट्स हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस करे हैं, ठीक है, वो आप मुझे पूछ लेना कि सर मैंने प्रैक्टिस करा था, मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई, और ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपके टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे कम समय में, और आपके एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, तो कोई डाउट नहीं क्लास। चलो फिर क्लास, आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है, थैंक यू क्लास, ओके, चलो थैंक यू क्लास, बाय बाय।